क्या आपको पता है एक निश्चित गहराई में जाने के बाद सबमरीन एक जगह स्थिर कैसे रहती है? चिंता ना करो, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस सवाल का क्रेडिट जाता है राहुल चंद्राकर जी को, जिनके इस सवाल को आप लोगों ने सिलेक्ट किया है पोल में वोटिंग के द्वारा। किसी भी सबमरीन की गहराई को पानी के अंदर बैलेस्ट टैंक में हवा और पानी के रेशो से कंट्रोल किया जाता है। इसे हम न्यूट्रल बायंसी कहते हैं। चलो और आसान शब्दों में बताता हूं, यानी कि हम सबमरीन के बैलेस्ट टैंक में हवा और पानी के ऐसे रेशो को मेंटेन करेंगे कि ना वो डूबे और ना वो ऊपर आए। सबमरीन से जुड़े हुए अपने सवाल का जवाब जानने के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।